झिझकत नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें, तमाम बातों पर वो खुलकर प्रखर होकर अपनी बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि हम लोगों ने जो बिहार में पटना में पिता के कहने पर FIR दर्ज की थी और जांच आगे ले जा रहे थे, वो सब सही कदम साबित हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार के कदम को एक तरह से मुहर लगाई है। CBI ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसके खिलाफ जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बात कही गई तो उसको खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, जो खुद विकास सिंह पूरे मामले में KK सिंह के वकील बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इसका अर्थ ये है कि न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। रिया चक्रवर्ती की याचिका थी कि बिहार पुलिस नहीं मुंबई पुलिस जांच करे, बिहार पुलिस से मामला CBI को भेज दिया गया था, CBI जांच कर रही थी। और इस नजरिए से अगर आप देखें तो जो ओरिजिनल याचिका थी रिया चक्रवर्ती की, उसमें भी उनके लिए एक झटका है, मुंबई पुलिस नहीं CBI ही जांच करेगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही बाद में यह कह दिया था कि CBI जांच से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ CBI जांच को सही ठहराया है बल्कि यह भी कहा है कि जो पटना में FIR दर्ज की गई थी वो सही है, CBI जांच करेगी और जो फैसला था CBI को जांच सौंपने का उसका अधिकार है बिहार सरकार को अनुशंसा करने का और केंद्र सरकार को इसे करने का। गौरांग कांत हमारे साथ वकील इसी मामले पर जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, लगातार सुबह से जितने भी एक्सपर्ट्स लॉयर्स सभी हमारे साथ जुड़ रहे थे, सबका यही कहना था कि परिस्थितियां, सत्येन चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सत्येन कोई प्रतिक्रिया वहां से आती है तो फौरन हाथ उठाइएगा परिवार की तरफ से हमारे साथ। गौरांग जी देखिए, कोर्ट ने भी कह दिया है कि CBI जांच करेगी, कोर्ट ने कहा है जो पटना में FIR दर्ज हुई थी वो सही ठहराई जाएगी। जी अंजना जी, इसमें CBI के लिए एक बहुत पॉजिटिव ये है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से, अंजना जी आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी कीजिए जल्दी। हाँ, CBI को स्टेट गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब डायरेक्शन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला CBI के लिए है और CBI को इससे बहुत ही फायदा होगा इन्वेस्टिगेशन करने में कि, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो इसको अपील करना चाहती है और रिव्यू पिटिशन फाइल करना चाहती है, क्योंकि इससे क्लियर नजर आता है कि महाराष्ट्र सरकार इस चीज को नहीं चाहती है कि CBI इन्वेस्टिगेशन करे। और अगर CBI ऐसे ही चली जाती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो हो सकता है महाराष्ट्र सरकार उनको हेल्प नहीं देती और उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दे दिया है। हाँ। तो महाराष्ट्र सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है, बट रिव्यू पिटिशन ही फाइल कर सकती है। ठीक है, आशीष दीक्षित हमारे साथ हैं। आशीष, बहुत दिनों से हम लोगों की बहस हो रही है आज तक पर, आप ये सवाल लगातार उठाते रहे कि ये बिहार पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है, लेकिन उस FIR को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और CBI को जांच सौंपे जाने को भी सही ठहराया है। अब इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इसी के साथ एक नया प्रेसिडेंट सेट हो सकता है जिसमें अगर पार्शियल कॉज ऑफ कंप्लेंट किसी दूसरे राज्य में है तो वहां की FIR को सही ठहराया जाएगा, माना जाएगा? आशीष, देखिए जो मेरे को समझ आया है अभी तक विकास सिंह की बातों से भी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए मामला CBI को हैंडओवर किया है, और जहां तक मेरे को नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उस FIR को रद्द कर सकता था, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन थी रिया की ये सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए थी। एक ऑब्जर्वेशन आई है कि वो FIR सही थी, मैं फैसला देखना चाहूंगा, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं अभी भी मेरा लीगल व्यू यही है कि बिहार में FIR नहीं होनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस उम्मीद से या किस क्या क्या लिख के ये फैसला दिया, मैं एक बार इसको पढ़ना चाहूँगा। बट हाँ, अब एक चीज क्लियर हो गई है कि CBI जांच जो 6 अगस्त से चल रही है, एक सेकंड मैं आपको टोक रही हूँ सर, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी अभी आज साथ तमाम मेहमानों से, मेरी दरख्वास्त है बीच में मैं अगर टोकू तो थोड़ा सा हमारे साथ बैर कीजिएगा। कंगना रनौत भी लगातार CBI जांच की मांग कर रही थी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो कह रही है कि इंसानियत की जीत हुई है, वो बधाई दे रही है SSR वॉरियर्स को, यानी सुशांत सिंह राजपूत के बिहाफ पर जो देश भर में लोग CBI जांच की मांग कर रहे थे उन्हें बधाई देते हुए वो कह रही हैं कि फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो कह रही हैं कि पहली बार एक साथ सामूहिक तौर पर देश ने एक तरीके से एकजुट होकर मांग की थी जिस चीज की, SSR वॉरियर्स के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। वो ताली बजा के CBI टेक्स ओवर #टैग डाल रही है, तो चाहे वो श्वेता कीर्ति हो जो कि बहन थी सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, या फिर
कंगना रनौत जैसे स्टार्स जिन्होंने लगातार मांग की थी कि सीबीआई जांच हो, वो सब मान रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है, इंसाफ की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। मिस्टर दीक्षित, जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए जी।